अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले हम रिकैप करते हैं अपनी प्रीवियस क्लास का। हमने उसमें पढ़ा था कि व्हाट इज़ हैबिटेट, द एनवायरनमेंट एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो एनवायरनमेंट जहाँ पे एनिमल रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। सारे एनवायरनमेंट को जब हम ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। यानी कि एक एनवायरनमेंट है डेजर्ट, एक माउंटेन है, एक ओशन है, और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल टुगेदर दिस, तो दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। एनी उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स अलग अलग जगहों पे रहते हैं, उनकी ब्रीदिंग सिस्टम अलग होते हैं उसकी बेस पे। लाइक सम एनिमल्स ब्रीद थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स दैट दे हैव, लाइक सम ब्रीद थ्रू लंग्स, गिल्स, बुक लंग्स, पोज। तो इस ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो आज हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट एनिमल्स मूव। यानी कि डिफरेंट जगहों पे एनिमल्स रहते हैं डिफरेंट मूव्स की वजह से, क्योंकि उनके अलग अलग चलने के तरीके अलग होते हैं इसकी वजह से। सो सबसे पहले हम इसका लर्निंग आउटकम को डिस्कस करेंगे कि इसका आफ्टर दिस क्लास वी विल एबल टू आइडेंटिफाई हाउ डिफरेंट एनिमल्स मूव, किस तरह डिफरेंट एनिमल मूव करते हैं, व्हाई एनिमल्स माइग्रेट, क्यों एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं एनिमल्स मूव की, तो प्लांट्स जो हैं उनका तो हमने पढ़ा था कि अपना एक सिस्टम होता है जिसमें वो सनलाइट से रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और रूट से वाटर और सॉइल वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और अपना उनका फूड बनता है ऑक्सीजन, वो ब्रीद आउट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। तो यानी कि वो एक जगह पे खड़े खड़े अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स को फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, क्योंकि एनिमल्स का मूव का फूड उन्हें बैठे बिठाए नहीं मिलता है। ठीक है, तो अनलाइक प्लांट्स, जैसे प्लांट्स तो उनको मूव नहीं करना पड़ता, ठीक है, अनलाइक प्लांट्स एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड, मैट, रेस्टिंग प्लेस और प्लेस टू ब्रीड। यानी कि एनिमल्स को मूव करना पड़ता है फूड की तलाश में, मैट यानी कि अपना मैच तलाश करने के लिए, रेस्टिंग प्लेस आराम करने की जगह के बनाने के लिए या तलाश करने के लिए, या प्लेस टू ब्रीड जहाँ पे वो ब्रीडिंग कर सके, यानी कि उनकी नई अफजाइश हो सके, रिप्रोडक्ट कर सके वो अपने आप को, उनके बच्चे होते हैं उनके लिए प्रॉपर उनके लिए प्लेस होनी चाहिए, ऐसी जगह तलाश करने के लिए उनको एनिमल्स को मूव करना पड़ता है। तो एनिमल्स किस किस वजह से मूव करते हैं? एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड, मैट, रेस्टिंग प्लेस और प्लेस टू ब्रीड। ठीक है, दे ऑल्सो मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को बचाने के लिए भी, यानी कि अगर फर्ज करें कि कोई एनिमल किसी को, बड़ा एनिमल किसी स्मॉल एनिमल को मारने के लिए पीछे दौड़ा होता है, तो वो एक एनिमल को आगे बढ़ना पड़ता है, दूसरा एनिमल अपने फूड की तलाश में बढ़ रहा होता है, एक एनिमल को अपने आप को बचाव के लिए मूव करता है। तो इसलिए इनको डिफरेंट मूव करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अपना फूड तलाश करने के लिए, अपना मैट तलाश करने के लिए, रेस्टिंग प्लेस तलाश करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं उनके मूव के तरीके अलग होते हैं। कोई एनिमल ऐसा है जो फ्लाई करता है, कोई वॉक करता है, कोई स्विम करता है, कोई हुप करता है, कोई जंप करता है, यानी कि कोई रगड़ता हुआ जाता है, कोई रेंगता हुआ जाता है, कोई फ्लाई करता है, कोई वॉक करता है, कोई स्विमिंग कर रहा होता है, कोई जंप कर रहा होता है। दे हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से वो डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं। तो अब हम उसको डिफरेंट तरीके से किस तरह मूव करते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, बर्ड्स के पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अर्थ वॉर्म, अर्थ वॉर्म जो है वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड यानी कि जोड़ता है, फिर ऐसे ये मिलाता है, फिर एक्सपेंड करता है, तो इस तरह ये घूमता घूमता चलता है, यानी कि ये सीधा नहीं चलता है, यानी कि इसके पैर नहीं है, इसके कोई फ्लाई करने के लिए विंग्स नहीं है, ये अपनी बॉडी को मूवमेंट से को ऐसा करता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मिलाता है, फिर उसको एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है, तो वो इस तरह करके आगे आगे मूव करते हैं। उसके बाद फिश की बात करते हैं। फिश यूज फिन्स एंड टेल टू मूव, फिश किसकी मदद से मूव करती है? फिन्स और टेल्स की मदद से।
टर्टल यूज बैक फीट टू मूव, उनके पास बैक फीट होते हैं जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। फ्रॉग हैव वेब टोज, फ्रॉग के वेब टोज होते हैं। और पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स टू स्विम, उनके पास क्या होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं जिसकी मदद से वो स्विम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब तलाश करते हैं अपनी फूड शेल्टर तलाश कर रहे होते हैं, तो बहुत लंबा लंबा मूव करना पड़ता है। यानी कि एक एरिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क उनको ट्रैवल करना पड़ता है। जब किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को सीजनली या किसी भी वजह से एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर मूव करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं माइग्रेशन। जैसे पाकिस्तान, आपने अपने घर वालों में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग लंदन, अमेरिका, कनाडा वगैरह चले जाते हैं और कहते हैं माइग्रेशन ले लिया उन्होंने, वो वहाँ पे चले गए, माइग्रेट कर गए, वो इधर से उधर मूव कर गए। अच्छा, इंसान के अंदर तो ये एबिलिटी है कि वो हर तरह के एनवायरनमेंट पे रह सकता है, लेकिन एनिमल्स को कुछ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपनी लिव करने के लिए, अपने आप की ज़िंदगी गुजारने के लिए। कभी कभी उनको बहुत, जहाँ पे सर्दी वाले एरियाज होते हैं वो बहुत, जब सर्दी शदीद किस्म की पड़ने लगती है तो बर्ड्स वहाँ से मूव करके उन एरियाज में चले जाते हैं जो बहुत वार्म होते हैं, वो थोड़े दिनों के लिए होते हैं। जब उनके मौसम वापस चेंज होता है तो वो वापस चले जाते हैं। तो वो यानी कि कुछ प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो इसलिए मूव करते हैं ताकि वो अपना बेटर फूड और बेटर एनवायरनमेंट हासिल कर सकें। तो अब हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। माइग्रेशन इज़ अ मास मूवमेंट ऑफ एनिमल ओवर ग्रेट डिस्टेंस। मास मूवमेंट यानी कि बहुत झुंड के झुंड, बहुत सारे एनिमल्स एक साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं माइग्रेशन में, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं। इट इज़ द मास मूवमेंट यानी कि बहुत सारे जाते हैं ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जाते हैं ओवर ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर तक जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से वो जा सकते हैं। इट मे बी टू फाइंड फूड शेल्टर बेटर एनवायरनमेंट, वो किसी भी वजह से जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फूड की तलाश में भी जा सकते हैं, शेल्टर की तलाश में भी जा सकते हैं, बेटर एनवायरनमेंट की तलाश में भी जा सकते हैं। और ये इसलिए करते हैं ताकि उनको वो हेल्प कर सके सर्वाइव करने में, ज़िंदा रहने में। यानी कि कभी कहीं पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लग जाती है तो वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो उनको सर्वाइव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। तो इसमें आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके डिफरेंट रीजंस होते हैं, फूड की तलाश में, बेटर एनवायरनमेंट की तलाश में, शेल्टर की तलाश में। माइग्रेशन होता क्या है, इट इज़ अ मास मूवमेंट ऑफ एनिमल ओवर ग्रेट डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा झुंड के झुंड एक जगह से दूसरी जगह जाएँ, बहुत दूर तक जाते हैं ये लोग, तो उसको कहते हैं माइग्रेशन। उससे पहले हमने पढ़ा था कि उनके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं। लाइक बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट तरह का मूव करती है और उड़ती है। अर्थ वॉर्म जो है कॉन्टेक्ट और एक्सपेंड करते हैं। फिशेस के पास फिन्स और टेल्स होती हैं। टर्टल्स के वेब फीट होते हैं। फ्रॉग्स के पास वेब टोज होते हैं। और पेंगुइन्स जो है उनके पास फ्लिपर्स होते हैं स्विम करने के लिए। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।